नमस्कार दोस्तों, मैं नंदकेश कुमार और आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने फैक्ट्री में आया हुआ हूँ। वरुण जी जरा आप उठ जाइए, कारीगर हैं यहाँ के। वरुण जी अभी आप क्या कर रहे हैं? वरुण जी जरा दर्शक को बताइए। अभी 20 वाला कॉपी बना रहे हैं। 20 वाला कॉपी कितने सीट का बना रहे हैं आप? 26 सीट का। पहले कितने सीट का बनाते थे? पहले बनता था 36 सीट का। 10 सीट का अंतर क्यों आया है? रेट की ज्यादा रेट बढ़ रहे दोस्तों, जरा गौर से सुनिए। पेपर इंडस्ट्री में आग लग गई है रेट की। हम पेपर पहले 60 रुपया किलो लाते थे, अभी पेपर का रेट 120 रुपया किलो है। पिछले 3 महीने में पेपर का रेट डबल हो गया है। और जब हम बेचने के लिए माल जाते हैं तो कस्टमर बोलेंगे पतला है, पतला है, पतला है। भाई पतला नहीं है, रेट ही इतनी बढ़ गई है कि जो 10 वाली कॉपी थी वो 20 वाली में मिल रही है। कॉपी इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री है, पेपर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें अभी रेट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ये इजाफा क्यों हुआ है मैं आपको जरा छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब से कोरोना में बंदी था, बंदी के कारण जो पेपर का मार्केट खुला है, स्कूल कॉलेज जितने भी पेपर में ऑफिस खुले, पेपर का प्रोडक्शन कम हो गया और सेल ज्यादा हो रहा है। तो समझिएगा जरा दोस्तों फिगर को, जब बिकता माल कम है तो रेट कम हो जाता है, और जब बिकता माल ज्यादा है तो रेट भी बढ़ जाता है। क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो चुकी है तो इस कारण से, और यूक्रेन से भी वॉर चल रही है। इसके पहले आप कहाँ काम करते थे? दिल्ली में जब थे तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, ये दिल्ली में काम कर रहे थे, दिल्ली में लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में घर आए थे। दोस्तों अभी इनको बिहार में काम मिल गया है, अब दिल्ली जाने की जरूरत है नहीं है ना? अब यही रहना है और दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिहार डेवलप कर रहा है, पता है ना? अब कितने जगह आप काम करते हैं? 3-4 जगह काम करते हैं दोस्तों ये, और इनको अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। ये अपना 2 मंजिला मकान बनाने वाले हैं यहाँ पे, और घर में भी मकान बनना चालू हो गया है ना। अब समझिए, बिना दिल्ली के बिहार की कमाई में, बिहार में लगा के तुम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं और मेरा जो कारीगर है वो भी कर रहे हैं। दोस्तों समझिएगा अभी काम क्या चल रहा है एक्चुअल में। एक कॉपी आप अभी बनाए हैं क्या? चलिए इधर आइए। हाँ बनाए अभी, देखिए दोस्तों ये कॉपी इन्होंने बनाया है, रेडी, अभी आपने रेडी किया है इसको। हाँ। तो अभी रेडी टू मूव प्रोडक्शन के लिए जाएगा। हाँ। तो अभी इसकी बिक्री क्या है, बिक्री रेट इसकी क्या है? 16 रुपया में बिक रहा है दोस्तों। 20 वाली कॉपी है और 16 रुपया में बिक रहा है। इतनी सस्ती कॉपी 16 वाली 20 में बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेच रहा है इनको ये मालूम नहीं, ये इनको मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ के ये कारीगर हैं, सिर्फ माल बनाता है। हाँ। और माल पैक आप ही करते हैं? हाँ। माल पैक ये करते हैं। आपको रहने का भी इंतजाम दिया गया है? हाँ। चलिए थोड़ा उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए ये रहते हैं और उनको रहने की व्यवस्था है। इधर देखिए ये रहने की व्यवस्था है, ये आपकी रहने की व्यवस्था है। हाँ। तो अच्छी सुविधा मिल रही है बिहार में, रहने खाना सब चीज मिल रहा है। तो मतलब अब आप बिहार छोड़ के नहीं जाइएगा? नहीं दोस्तों, ये अब बिहार छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि अब इनको रहने का भी, खाने का भी, काम भी मिल गया है, तो बिहार नहीं जाएगा। ऐसी ऐसी अगर बहुत सारी फैक्ट्री खुलनी चालू हो जाए दोस्तों, इन जैसे लोगों को अब बिहार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं होगी। लॉकडाउन में दिक्कत भी हुआ था दिल्ली में? नहीं। दिक्कत जो हुआ था वो बोलिए, लॉकडाउन में दिल्ली में आपको क्या समस्या आई थी? दिक्कत हुआ था, ट्रेन नहीं चल रहा था। ट्रेन नहीं चल रहा था और वहां पे खाने पीने में भी दिक्कत आया होगा आपको। हाँ। वहां पे खाने पीने में भी दिक्कत आया होगा लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ। तब से आप दिल्ली नहीं गए हैं? नहीं। दोस्तों सुनिएगा जरा इनकी, गौर से ध्यान दीजिएगा, ये तब से दिल्ली नहीं गए क्योंकि दिल्ली में इसको खाना पीना सब चीज का तकलीफ हो रहा था, और बिहार में आपको अभी किसी चीज का तकलीफ है नहीं? काम मिल रहा है? हाँ। छुट्टी टाइम पे मिल रही है? हाँ। कितने घंटे में यहाँ से घर चले जाते? 1 घंटा लगता होगा यहाँ से घर जाने में? 3 घंटा। 3 घंटा लगता है? तो आपका घर सहरसा है क्या? हाँ। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से है और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। हाँ। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको सहरसा में भी काम मिल जाएगा।
हम लोग सहरसा में भी इनको काम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन अब थोड़ा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना दिक्कत तो नहीं है पहले जितना दिक्कत था। नहीं तो अभी आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मन लग रहा है, और आपके भाई भी काम कर रहे हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, उनसे मिले हुए हैं हम। दोस्तों ये बहुत ही दिक्कत में थे, लेकिन अभी दिक्कत में नहीं है क्योंकि इनको काम मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा पेमेंट कर रहा है टाइम पे। पैसा में कोई झोलझाल है यहाँ? टाइम पे मिल जाता है ना? बहुत लोग बोलते हैं बिहार में काम तो होता है, पैसे नहीं मिलता है। नहीं वैसा बात नहीं है, पैसा क्या होता है, तुरंत मिलता है, मिल जाता है दोस्तों। तो जो बिहार को बोल रहे हैं कि बिहार में ये, बिहार बहुत अच्छा है दोस्तों, और हम बिहार के हैं और हम बिहारी हैं दोस्तों, और हम चाहते हैं जितने भी नौजवान हो और अपना एक शुरू करे कुछ, और बाहर जाने से अच्छा है यहीं कुछ किया जाए, और आप परिवर्तन करिएगा तभी बिहार बदलेगा दोस्तों। और यहाँ पे ये सेटअप है पूरा, यहाँ पे ये प्रोडक्शन लाइन है, यहाँ से ये सब सेल तुरंत हो जाता है दोस्तों, उसमें कोई कहीं की दिक्कत नहीं है। एक और लड़के आए हुए हैं, कुछ सामान उमान लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं नंदकेश कुमार आपसे फिर मिलता हूँ, बहुत दिन हो गया था वीडियो का, फिर मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा, धन्यवाद।